हरे कृष्णा। तो यहाँ गोवर्धन लीला का बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में। तो लीला हम सबको पता है, मगर हर लीला के पीछे इतनी सारी शिक्षाएं छुपी हैं। और साथ में जब भगवान के शुद्ध भक्त जब इसको बताते हैं शिला रूपा जैसे, तो इट इज़ लाइक आइसिंग ऑन द केक। वो जो शिक्षाएं जो हम देख नहीं पाते हैं वो सामने उभर के प्रस्तुत करते हैं वो महान आचार्य वैष्णवाचार्य। तो बहुत सारी लर्निंग्स हैं इस पूरे दृष्टांत में, बट वन ऑफ द मेन लर्निंग विच स्ट्रक मी मोस्ट वॉज अ मूड ऑफ सरेंडर। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, ब्रजवासियों का भगवान के प्रति शरणागति का भाव कितना प्रगाढ़ है। वो हर साल ब्रज के अंदर पूजा हुई करती थी, भगवान की नहीं, गोवर्धन की नहीं, किसकी? इंद्र की पूजा एवरी ईयर, बड़ी तल्लीनता से, बड़े रिलीजियसली सब इंद्र की पूजा किया करते थे। श्री श्री राधा राधिका रमन, श्री जगन्नाथ बलदेव सुत्र मैया, श्री कृष्ण बलराम, श्री प्रभुपाद की जय। अब मान लिया इंद्र देवता है, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, मगर कोई छोटे मोटे देवता नहीं है, देवताओं के राजा हैं, देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा हूं। और उनकी पूजा मना किसने करी? एक छोटे से 7 साल के बच्चे ने। तो सारे ब्रजवासी नंद बाबा समेत उस छोटे से बच्चे की बात मानने को तैयार हैं। इसलिए नहीं कि बड़े 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 बुद्धिमान है वो, इसलिए नहीं कि हमसे बहुत बड़ा है वो, इसलिए नहीं कोई जादूगर है वो, इसलिए एक ही मूल स्रोत उसका कारण है कि हम उनसे प्रेम करते हैं। ये प्रेम का स्वभाव है, क्योंकि सारे ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण कुछ भी कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। कुएं में छलांग मारने के बोलेंगे हम तैयार हैं। प्रगाढ़ प्रेमेरई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादि ना करे विचार। कविराज गोस्वामी बताते हैं ये प्रेम का स्वभाव है, प्रगाढ़ प्रेम का, कि अपने दुखों को, अपने विघ्नों के बारे में व्यक्ति सोचता नहीं है, अगर सामने वाले को प्रसन्न कैसे करना है। तो जानते हैं कि कृष्ण की बात मान के कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए नंद बाबा चले गए मानसी गंगा का जो चुरा है वहां पे जाके लाउड स्पीकर के साथ, सुनो 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 ब्रजवासियों, आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी। किसकी पूजा करेंगे? फिर गोवर्धन की पूजा करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लाला ने बोला है, कृष्ण ने बोला है, उनकी बात तो हमें माननी पड़ेगी। तो तैयार हो गए चेंज करने को। तो शरणागति का सबसे पहला लक्षण क्या है? सरेंडर मीन्स टू बी रेडी टू चेंज आवर सेल्फ। हम अपने आप को चेंज करवाने को, चेंज होने को तैयार हो जाएं, ये शरणागति का लक्षण है। ये नहीं कि जो मैं था, जो मैं हूं, वो मैं रहूंगा। नहीं भैया, अब चेंज होना है, अब आप भक्ति में आ गए हैं, अब आपको बदलना है। हाँ, पहले बहुत पिज्जा खाया करते थे, बर्गर खाया करते थे, मूवी देखने जाया करते थे, उल्टे सीधे कपड़े पहनते थे, बट अब नहीं, अब हम भक्ति में आ गए हैं, तो अब हमें चेंज होना है। पहले एक बार बस रजाई डाल ली, तो फिर पता नहीं जब सूरज वो वेट कर रहा है, भैया उठ जाओ उठ जाओ, और सूरज चला गया, चंद्रमा आने वाला है, तब तक उठ नहीं रहे, मगर अब नहीं है, अब तो सूरज से पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो चेंज करना अपने आप को। सो डिवोटी मीन्स फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, वो अपने आप को चेंज करने को तैयार है, अपने पुराने जो आदतें हैं, पुराने जो संस्कार हैं, उनको बदलने को तैयार है। ये भक्त का मतलब है, शरणागत भक्त का। तो उधर इंद्र इंतजार कर रहे हैं, पूजा आएगी पूजा आएगी पूजा आएगी, मगर पूजा तो किसी और की होली, अब क्या होगा? तो गुस्सा आ गया, मेरी पूजा किसने ले ली, वो तो पूजा मेरी थी। तो बहुत भयंकर गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। तो क्या किया? सो इंदिरा हैज अ प्लान, मर्डर प्लान, नॉट मर्डर ऑफ अ सिंगल पर्सनालिटी, ना पूरा का पूरा गांव खत्म कर दूंगा मैं, ये ब्रज खत्म कर दूंगा मैं।
तो सोचिए ना, ईर्ष्या द्वेष किस हद तक एक व्यक्ति को लेके जा सकती है। वो सोचिए, भूल जाओ कि वो भगवान है, ये तो बहुत दूर की बात है। अरे जीवात्माओं को मारने को तैयार हो गया। तो संवर्तक बादल भेजती, भयंकर बादल, घनघोर वर्षा से पूरा पूरा ब्रज डुबो दूंगा मैं, ये इंद्र की इच्छा है। प्रलय के समान ऐसे ना, देयर वाज फ्लड्स ऑफ डेवास्टेशन, रेन्स ऑफ डेवास्टेशन, ऐसी भयंकर वर्षा हो रही है। अब सोचिए हमारा रिएक्शन क्या होगा अगर हम उस स्थिति में हों। एक छोटे से बालक ने हमें कुछ बोला, हम प्रेम करते हैं उससे, हमने उसकी बात मान ली, मगर ये क्या, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, इतने भयंकर बादल आ रहे हैं, वर्षा हो रही है, हमारा घर बार सब डूब रहा है, मकान दुकान सब बही जा रही है, और तो और अपने प्राणों का पता नहीं क्या होगा, तो क्या करेंगे उस समय, सोच के देखिए। मगर ब्रजवासियों ने क्या किया, वो दोबारा उसी बालक के पास जाते हैं ना, जिस बालक ने ये प्लान बताया था, और उसी के पास जाके बोलते हैं, बोले बताइए अब क्या करना है हमें, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान नाउ, आपने जो एक प्लान बताया एक्सेप्ट कर लिया, नाउ वी आर रेडी टू एक्सेप्ट योर नेक्स्ट प्लान ऑल्सो। ये ब्रजवासियों का भाव है जो श्रील प्रभुपाद यहां उद्धृत कर रहे हैं। हर स्थिति में भगवान का आश्रय लेना, तो ये शरणागति का दूसरा भाव है कि इन एवरी सिचुएशन अप्रोचिंग ओनली एंड ओनली कृष्णा। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष दा कामो उदार दी तीव्रे न भक्ति योगे न। चाहे आपकी कोई कामना है या आपकी कोई कामना नहीं है, चाहे आपकी मुक्ति की कामना है, आपको किसके पास जाना है, कृष्ण के पास। ये शरणागत भक्त का दूसरा लक्षण है। इन ऑल सिचुएशंस अ सरेंडर डिवोटी अप्रोचेस ओनली एंड ओनली कृष्णा। तो कोई पंचायत नहीं बिठाई उन ब्रजवासियों ने ना, किसी देवी देवता के पास नहीं गए आश्रय लेने के लिए, किसी नेता के पास नहीं गए, किसके पास गए, उसी कृष्ण के पास। क्यों? क्योंकि हर स्थिति में आप ही उबारेंगे हमें, हमें पूर्ण श्रद्धा है कि यू आर आवर्स एंड वी आर योर्स। आप हमारी रक्षा करेंगे हर स्थिति में, हमें कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है। सो सरेंडर मीन्स टू बी कॉन्फिडेंट ऑन कृष्णास प्रोटेक्शन ऑलवेज, कि हर स्थिति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिवे कृष्णा, चाहे कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति में अवश्य कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। तो देखिए भक्ति का सर्वोत्तम लक्षण है शरणागति। नविदा भक्ति का जो अल्टीमेट जो पैराडाइम है वो क्या है, आत्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चना वंदम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। तो श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम श्रद्धा जागृत करना चाहते हैं, मगर अल्टीमेटली कहाँ, क्या क्या लक्ष्य को हम स्वीकार करना चाहते हैं भगवान के ऊपर, पूर्ण शरणागति। तो क्या है ये पूर्ण शरणागति, है ना, कि आप हर स्थिति में मेरी रक्षा करेंगे, मेरा पालन करेंगे। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षा माम, कृष्ण 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 पाहि माम। तो ये हमारे आचार्यों ने हमें प्रार्थना सिखाई है कि हर स्थिति में भगवान को अप्रोच करो, वो आपकी रक्षा करेंगे, वो वही पालन करता है। कृष्णा इज द ओनली मेंटेनर। एको न भुजिनो प्रभु तोमार चरण, अमितव नित्य दासा जानिनो बारा। मैं तो क्या हूं, आपका नित्य दास हूं, आप मेरे पालन करता है। तव पाद पद्मनाथ रही बे अमारे, मैं तो आपके चरणों में आ चुका हूं, आप मुझे मेंटेन करो। आर रखा करता ना ही, मेरा और कोई रक्षक नहीं है,
ए भव संसारे, पूरे संसार भर में आप ही मेरे एकमात्र मेंटेनर हैं, मेरे प्रोटेक्टर हैं। तुमी सर्वे सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्व सृजन संहार। तुमी सर्वे सर्वेश्वर, बहुत सारे ईश्वर हैं मगर आप कौन हैं? सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं। कौन? ब्रजेंद्र कुमार। आपकी इच्छा से ही सारे विश्व का सृजन होता है और उसका संहार भी हो जाता है। यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं आपकी आज्ञा से ही ये सारे जो सितारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये घूमते हैं। आपने पलक इधर उधर करी, भौंहें ऊपर उठाई तो घूमने लगे। तो आपकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है और मैं आपकी उस पूरी सृष्टि में एक छोटा सा अंश मात्र हूं ना। बाल के अगर भाग कर 10,000 हिस्सा, ये मेरी पोजीशन है। तो मैं क्या करता हूं, आपको शरणागत होता हूं, आप ही मेरे पालनहार हैं। नरसिंह आरती गाते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम होती है लाइफ में तो तुरंत भगवान नरसिंह देव को याद करते हैं हम। सर्वधर्मान परितज मामेकम शरण व्रज, भगवान ने गारंटी दी है मेरी शरण में आओ मैं आपके सारे पापों को मुक्त कर दूंगा आपको। हम तो सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत। तो हर जगह इतने सारे कथन हैं, इतनी सारी रिकमेंडेशंस हैं, भगवान को शरणागत होना है। भगवान ही हमारे पालनहार है, भगवान हमें आश्रय प्रदान करते हैं, ये श्रद्धा लेके एक भक्त भगवान को अप्रोच करता है। पर अगर भगवान ने हमारी रक्षा नहीं करी इन प्रार्थनाओं के बाद, तब हमारी क्या स्थिति होगी, क्या रिएक्शन होगा? तब भी क्या हम भगवान के ऊपर उतने ही शरणागत रहेंगे? तब भी क्या हमारी भगवान के ऊपर उतनी ही श्रद्धा रहेगी? तब भी क्या हम भगवान को प्रेम करेंगे? ये भक्ति का टेस्ट है। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हमारे जीवन में कोई बाधाएं आ जाती हैं, उसके बीच में भगवान उसको दूर कर देते हैं, तो हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। मगर जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बाधाएं आ जाती हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद भी वो बाधाएं कम नहीं हो रही हैं, बाधाएं बढ़ रही हैं, तब क्या भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा बनी रहती है? दैट इज कॉल्ड फेथ, दैट इज कॉल्ड लव। तो शिल रूप गोस्वामी उज्ज्वल नींदमणि में प्रेम की परिभाषा देते हैं ना। भगवान से प्रेम करना चाहते हैं ना, हमारे जीवन का लक्ष्य है ना, कृष्ण प्रेम ना, बहुत ऊंचा लक्ष्य है। बट यस, ये हमारे आचार्य ने हमें सिखाया, हम कृष्ण के चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं ना प्रेम की परिभाषा क्या है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यापि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो स प्रेम परिकीर्तिता। तो क्या बता रहे ऋषि रूप गोस्वामी, सर्वथा ध्वंस रहितम। आप एक संबंध में हैं, आप एक रिलेशनशिप में हैं, मगर उस रिलेशनशिप में हजार कारण आते हैं सामने वाले को त्याग करने के, मगर उसके बावजूद आप उस व्यक्ति को त्यागते नहीं हैं, उसके साथ प्रीति बना के रखते हैं, इसको प्रेम बोला जाता है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि, सत्य कारण भी हैं उस रिलेशनशिप को डिसॉल्व करने के, डिसोल्यूट करने के, खत्म करने के, उसके बावजूद आप उस संबंध को बना के रखते हैं, दिस इज कॉल्ड लव। तो ऐसे ही हम भगवान से प्रेम करते हैं, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी आ जाए, कितनी विपत्तियां आपत्तियां क्यों ना आ जाए, पहाड़ गिर जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, जीवन तहस नहस हो जाए, उसके बावजूद हे कृष्ण मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपका आश्रय छोड़ूंगा नहीं। This is called love towards Supreme Personality of Godhead. So surrender means sticking to Krishna's lotus feet under all circumstances with faith. That is called surrender. हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान के चरणों का आश्रय प्रीतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक पकड़े रखना, उनको छोड़ना नहीं, इसको शरणागति बोला जाता है। तो क्या हम तैयार हैं? हम तैयार नहीं है क्योंकि हम ब्रजवासी नहीं है। वो ब्रजवासी कृष्ण के चरणों का आश्रय कभी त्यागते नहीं है। हमारी स्थिति तो कुछ और है।
हमारी श्रद्धा तो भगवान के प्रति कैसी है, सरकमस्टेंशियल है, परिस्थितियों पे निर्भर है। तो एक होते हैं अथीस्ट, एक होते हैं थीस्ट। थीस्ट मतलब जो भगवान में पूर्ण विश्वास करते हैं, एक होते हैं अथीस्ट जो भगवान में विश्वास नहीं करते, मगर उसके बीच में होते हैं एगोनिस्ट, जो कभी कभी विश्वास करते हैं जब जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत नहीं भी पड़ती तो विश्वास नहीं भी करते हैं। धोबी का कुत्ता ना, वो चौराहे पे ना चौखट पे खड़े रहते हैं कि जहां पे आवश्यकता पड़ेगी वहां कूद मार लेंगे, जिस दिन जरूरतें होंगी ना, अपनी इच्छाएं पूरी करनी होंगी तो भगवान के मंदिर आएंगे भी, ध्यान तब जब फास्टिंग सब कुछ करेंगे भी, मगर जब सब कुछ सही चल रहा होगा ना लाइफ में मस्त बिंदास, तब पूछेंगे भी नहीं भगवान को, देखेंगे भी नहीं, भगवान के भक्तों का फोन उठाएंगे भी नहीं, काटते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे। ये हमारी स्थिति है, क्यों? क्योंकि हमारा भगवान के ऊपर जो श्रद्धा है वो परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। एक बार एक गांव में साधु आया, साधु की महिमा तो सब जानते हैं, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, तो साधु का दर्शन करना चाहते थे सब, मगर लोग जानते भी थे कि साधु के दर्शन से ज़्यादा लाभ है साधु के मुख से कुछ सुनना ना, उसके जो वचन है वही असली कृपा है। तो ये साधु आए हैं, गांव के बाहर रह रहे हैं, तो आइए उनको थोड़ा अनुग्रह करते हैं कि आप आइए और हमें कुछ कुछ हमें शिक्षा दे शास्त्रों के माध्यम से। तो गांव के प्रमुख लोग जाते हैं साधु के पास, साधु सुन नहीं रहा उनकी, उसका अपना अहम है, अपना अहंकार है, तो वो खूब गिड़गिड़ाते हैं, अरे साधु महाशय आइए कुछ हमें श्रवण कराइए भगवान के बारे में, आप इतने श्रद्धालु हैं, हमारे अंदर भी श्रद्धा जागृत कराइए। तो बहुत मनाने के बाद ठीक है आऊँगा मैं। तो यहाँ पे खूब तैयारियाँ होती हैं, पंडाल सस्ते हैं, बहुत प्रसाद बनाया जाता है और व्यासासन बिठाया जाता है, सुंदर पंडाल लगता है, और फिर साधु महाशय आके बैठते हैं और आके प्रश्न पूछते हैं। शुरुआत करने से पहले, कथा शुरू करने से पहले एक प्रश्न है आप सबसे, आप में से कितने लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर लिया, हम सब करते हैं भगवान में विश्वास, सब करते हैं। तो साधु उस व्यासन से नीचे उतरे, बोले मैं जा रहा हूँ, कोई रीजन नहीं कि कुछ नहीं, मतलब मैं जा रहा हूँ, चले गए। फिर वो जो पंचायत के लोग फिर जाते हैं उनके पास, जाके बोलते हैं अरे क्या अपराध हो गया हमसे, क्या गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, कुछ कुछ हमसे लग रहा है कि हमने कुछ अपराध किया है ना, अनाधिकार चेष्टा, हमें क्षमा कीजिए, बताइए क्या क्या गलती है हमारी। बोले गलती क्या है, आप सब लोग ही भक्त लोग हैं, सब भगवान में श्रद्धा करते, मैं कुछ बता के क्या करूँगा आपको, कोई अश्रद्धालु हो तो उसको मैं बताऊँ तो समझ आए, आपके सब में पहले ही हृदय में है ना गोविंद बैठे हैं, मैं क्या बताऊँगा आपको, आप सब भक्त हैं, इसलिए मैं चला गया। बोले नहीं 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 नहीं, कुछ तो अपराध हुआ है, आप आइए, हम सुनना चाहते हैं आपसे, श्रवण करना चाहते हैं, कृपया आइए, दोबारा से आइए, है ना, हम बहुत कॉशियस रहेंगे, सावधान रहेंगे, आइए प्लीज़ आइए। तो बहुत मनाने के बाद फिर दोबारा मानते हैं, फिर दोबारा पंडाल सजता है, भोग बनता है, व्यासासन लगाया जाता है, फिर दोबारा आते हैं साधु महात्मा, व्यासासन पे बैठते हैं। बोले कथा शुरू करने से पहले एक प्रश्न है आपके लिए, क्या क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं? तो क्या उत्तर होगा? बोले कुछ भी कर लो, हाथ नहीं उठाना, हाथ उठा लिया फिर भाग जाएंगे, हाथ नहीं उठाना। और किसी ने हाथ नहीं उठाया तो साधु व्यासासन से नीचे उतरे, चले गए, बोले मैं जा रहा हूँ, बोले अब क्या हो गया, बिना बताए चले गए आगे। फिर दोबारा जाते हैं उनके पास, महाशय क्या क्या अपराध हुआ, कुछ समझाइए तो सही, अनपढ़ गवार लोग हैं हम, कुछ शिक्षा दीजिए, हम सुनना चाहते हैं आपसे। बोले तुम सब लोग ही नास्तिक लोग हो, तुम्हें बता के करूँगा क्या मैं, ना अश्रद्धालु लोग हो ना, ये तो सर ऐसे ना मैं बोलता रहूँगा रॉकेट तुम्हारे ऊपर से जाता रहेगा, वो घुसेगा क्या अंदर, जू नहीं रहेगी तुम्हारे ऊपर, निकल गया हूँ मैं यहाँ से, नहीं जा रहा हूँ, नहीं जाऊँगा मैं। तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं, बोले आइए आइए प्लीज़ क्षमा कीजिए। तो फिर खूब मनाने के बाद दोबारा एग्री कर जाते हैं, और फिर पंडाल सजता है, भोग बनते हैं, व्यास आसन पे बैठते हैं, और आते ही फिर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है, अब सबको क्वेश्चन भी पता था, उसका आंसर भी पता था, अब क्या आंसर होगा, आधे लोगों के हाथ खड़े, आधे लोगों के नीचे। और जब ये रिस्पॉन्स देखा तो नीचे उतर गए, बोले मैं जा रहा हूँ, अब क्या हो गया,
कौन सा बहुत नया ईजाद करे सॉल्यूशन, तो वहीं खड़े खड़े बोलते हैं, बहुत सिंपल है। जो आधे लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, आप सब आस्तिक लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया आप सब नास्तिक लोग हैं, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। तो जो आस्तिक लोग हैं वो नास्तिक लोगों को बता दीजिए मेरा क्या काम है, मैं तो जा रहा हूँ, तो निकल लीजिए। सो द लर्निंग बिहाइंड दिस स्टोरी इज कि हमारा भगवान के प्रति फेथ जो है वो क्या है, परिस्थितियों पे निर्भर करता है। कई बार जब आवश्यकता होती है तो हाथ खड़ा भी कर लेते हैं, विश्वास भी करते हैं, और जब आवश्यकता नहीं भी होती तो पूछते भी नहीं है। तो ये हमारा हाल है। वो ब्रजवासी जो निरंतर भगवान के चरणों का आश्रय छोड़ते नहीं है, मगर हम अपॉर्चुनिस्टिक वे में भगवान को अप्रोच करते हैं। इसलिए वो जो डुप्लीसिटी की स्मेल आती है हमारे अंदर से, और भगवान बोलते हैं मैं सबको कृपा दूंगा, मगर उस व्यक्ति को कृपा नहीं दूंगा जो दोगुला है, जो डुप्लीसिट है। इसलिए हमारी प्रार्थना भगवान सुनते हैं, मगर सुन के दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि अंदर दोगुलापन है। तो सरेंडर हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। तो जब हम भगवान को अप्रोच करते हैं और भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते भी हैं, मगर सुनने के बाद हमारे विघ्नों को दूर नहीं करते, उसके बावजूद अगर हम भगवान के प्रति प्रीति बना के रखते हैं तो उसको श्रद्धा बोला जाता है। दैट मीन्स लविंग कृष्णा। जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं, वैकुंठ के बाहर ये सेवा करते हैं, वो गार्डिंग की सेवा करते हैं, बहुत मन से तन से सेवा करते हैं। मगर एक दिन चार कुमार आ गए तो रोक लिया उन्होंने उनको, बोले अनऑथराइज्ड एंट्री है, जाने नहीं देंगे आपको। तो चार कुमारों ने क्या किया, तुरंत वहीं पे शाप देने लगे उनको, बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। तो चार कुमारों ने सहन कर लिया कि अरे संत महात्मा है, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, वो अपनी ड्यूटी करेंगे, मुझे उनको स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी डांट को भी स्वीकार करना पड़ेगा, संतों की डांट भी क्या है, कृपा है। तब शाप क्या है, दो ऑप्शन है उसमें, शाप के भी ऑप्शन है, मेन्यू कार्ड है। ऑप्शन वन, या तो तीन जन्म नीचे आ जाइए राक्षस के रूप में, या सात जन्म भक्त के रूप में। तो क्या चुना उन्होंने, सात तो बहुत लंबा हो जाएगा टाइम, सात जन्म। अब जिसने शादी करी उसको पता होता कि सात जन्म कितना लंबा होगा, बोले एक जन्म बड़ा भारी पड़ रहा है, तो सात जन्म कैसे रहेंगे ना इनके बिना, ना अपने इष्ट के बिना, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। नो, ऑप्शन वन दैट सीम्स मोर प्रैक्टिकल। क्यों, सात जन्मों में हो सकता है भगवान को भूल जाए, मगर तीन जन्मों में तो याद रखेंगे, और वो भी राक्षस के रूप में आएंगे तो हमेशा बेशक गाली निकालते रहेंगे कृष्ण को, मगर कृष्ण को हमेशा याद रखेंगे। शिशुपाल क्या करता था, एक समय ऐसा नहीं बीतता था, एक क्षण ऐसा नहीं बीतता था जो भगवान को भूलता हो, हर क्षण भगवान को याद रखता था, गाली निकालता रहता था, कृष्ण ऐसा कृष्ण वैसा कृष्ण ऐसा कृष्ण वैसा। तो यही करते थे शिशुपाल दंतवक्र। सो दे वर मच मोर कृष्णा कॉन्शियस देन अस, नित्य रूप में कृष्ण का चिंतन कर रहे थे वो। मगर प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हाँ राक्षस बनना है तो ऐसा राक्षस बनो, रावण जैसा, शिशुपाल जैसा, नहीं तो छोटा सा एक भक्त बन जाओ भगवान का। अगर राक्षस बनना ही है तो ऐसा बनो फिर, कट्टर एकदम, ताकि भगवान सामने आए आपका उद्धार करने के लिए, नहीं तो छोटा सा भक्त बन जाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। केचित वदन्ति धनहीन जनो जगन्या, केचित वदंती गुणहीन जनो जगन्या। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जिसके पास धन नहीं है वो व्यक्ति सबसे निकृष्ट है, पैसा नहीं है, निर्धन लोग हैं, भिखारी लोग हैं, बिखड़ लोग हैं, हटाओ बेकार लोग हैं। कुछ बोलते हैं जिनके पास गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, स्किल नहीं है, ऐसे लोग बेकार हैं। व्यासो वदती अखिल वेद पुराण वेत्ता, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्या। मगर व्यासदेव जो सारे पुराणों के वो स्रोत हैं, वो क्या बोलते हैं, नारायण स्मरणहीन
जनो जगन्या, कि जो इस व्यक्ति को नारायण का स्मरण नहीं हो रहा, हरि का स्मरण नहीं हो रहा, अपने इष्ट का स्मरण नहीं हो रहा, ऐसा व्यक्ति सबसे निकृष्ट व्यक्ति है पूरे जगत का। तो जानते हैं जय विजय, बोले नहीं, ये भगवान का स्वी स्मरण ना हो जाए हमसे, ये बड़ा दुखदायी है। तो ये प्रेम है, उसके लिए राक्षस बनने को तैयार है, ऐसा रोल करने को तैयार है जिसमें उनको बहुत एम्बेरेसिंग फील होगा, बड़े गिल्टी फील होगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे, मगर नहीं, कृष्ण के लिए तैयार है। कम से कम कृष्ण का विस्मरण तो नहीं होगा। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड टू नेवर फॉरगेट कृष्णा, दैट इज द सनम वनम ऑफ अ डिवोटीज लाइफ, कि हमेशा कृष्ण का याद रखना और कृष्ण को कभी भूलना नहीं। तो जय विजय एक शरणागत भक्त थे भगवान के, इसलिए उस विपत्ति को भी स्वीकार करने को तैयार थे। तो वो अपेरेंटली अपेयर हो रहा था कि वो विपत्ति है, मगर वो तो भगवान की कृपा थी। आगे चल के भगवान बोल रहे हैं, जब चार कुमार बोलते हैं अरे नहीं 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 नहीं, ये हमसे गलत हो गया, हमने शाप दे दिया, गलती तो हमारी थी, भगवान बोल रहे चिंता मत करो, मैंने ही प्लान किया था, इट वॉज माई प्लान। तो जय विजय भगवान के उस प्लान को भी स्वीकार कर लिए जिसमें उनको आगे चल के कष्ट मिलने वाले थे, दुविधाएं होने वाली थी। सो दिस प्लान ऑफ कृष्णा वॉज ट्रबलसम फॉर देम, स्टिल दे एक्सेप्टेड इट वेरी रेवरेंशियली, वेरी रिस्पेक्टफुली, वेरी ग्रेसफुली। तो ये भगवान के भक्त का निर्णय है कि जो भगवान ने मेरे लिए प्लान किया है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। सो लविंग मीन्स एक्सेप्टिंग कृष्णास प्लान। तो ये शरणागति का अगला लक्षण है, भगवान के प्रति शरणागति मतलब भगवान की जो इच्छा है उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लेना। आर्थर एश, वन ऑफ द फेमस टेनिस प्लेयर, बहुत सारी ट्रॉफीज जीती उन्होंने, 19 ट्रॉफीज जीती। He was in US. He played for his nation with his whole heart. बहुत हृदय से, तल्लीनता से अपने राष्ट्र के लिए वो खेला करते थे, और साथ में वो बहुत religious भी थे। He was a devout Christian. बहुत सारे donation किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे, बहुत ही सरल हृदय के व्यक्तित्व थे। सोचिए यंग एज में इतनी सुंदर क्वालिटीज थी, अपने एक्सपर्टीज थी स्पोर्ट्स में भी और साथ साथ ह्यूमनली क्वालिटीज भी थी, तो लोग उनको बहुत रेवर किया करते थे, बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, अरे वी आर प्राउड ऑफ यू आर्थर एश। मगर हुआ क्या, थोड़े समय में आर्थर एश को एक बड़ी डेडली बीमारी हो गई। तब खेलना तो दूर की बात, He got bedridden. तो उस समय उनके जितने फैंस थे उनको खत लिखा करते थे, ईमेल्स वगैरह तो नहीं थे, खत से अपने हृदय को प्रस्तुत किया करते थे। Dear Arthur Ashe, we're looking forward to see you back in the field. We wish you well. We hope that you get well soon. तो बड़े सुंदर सुंदर अपने विशेष उनको दिया करते थे। तो उन सारे खतों को पढ़ते थे Arthur Ashe और रिप्लाई भी किया करते थे। मगर एक समय बाद उन्होंने खतों को रिप्लाई करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप कभी भी आप जा सकते हैं, आपकी भी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, दिस इज अ डेडली टर्मिनल डिजीज नाउ। तो फिर आर्थर एश ने सोचा कि अरे ये सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं खेलने वापस आऊँगा, और ये सब लोग मेरे लिए हुटिंग करेंगे, मेरे लिए मेरे को ग्लोरीफाई करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मगर यहाँ तो क्या बताऊं, अब तो मैं तो कभी इस बेड से बाहर नीचे नहीं आ पाऊंगा, ये मेरा हाल हो चुका है, तो मैं इनको धोखा नहीं दे सकता। तो इसलिए खत पढ़ते थे, रिप्लाई नहीं करते थे, बोले क्या रिप्लाई करो, सच इनको बता नहीं सकता, इनका दिल टूट जाएगा, और झूठ मैं बोल नहीं सकता, तो पढ़ते थे बस खत। तो एक बार पढ़ रहे थे तो एक खत था विच अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, और उनको लगा कि इस खत का रिप्लाई तो मुझे करना पड़ेगा। खत में क्या लिखा था, डियर आर्थर एश, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू हैव बीन सच अ नाइस प्लेयर ऑफ आवर नेशन,
यू प्लेड सेल्फलेसली फॉर द नेशन, यू हैड नो ग्रीड फॉर मनी, एंड यू एट द सेम टाइम यू आर अ फॉलोअर ऑफ गॉड, यू आर सच अ डिवोट क्रिश्चियन, यू नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग विद एनी पर्सन, किसी के साथ आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, सबका भला सोचा, देश का भला सोचा, तो भगवान ने आपको क्यों चुना इस बीमारी के लिए? तो जब ये पढ़ा तो ही गॉट एनर्जाइज्ड टू रिप्लाई बैक, इस खत का मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो ऑर्थर एश ने लिखा, आई एम अ सिटीजन ऑफ यूएस, इन यूएस देर आर सो मेनी चिल्ड्रन, आउट ऑफ ऑल दोज चिल्ड्रन देर आर ओनली 5 लाख चिल्ड्रन हु चूज टू प्ले टेनिस। बहुत सारे अलग अलग गेम्स हैं जिसमें से कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि हाँ हमें टेनिस प्ले खेलना है। फिर लिखते हैं, आउट ऑफ दोज 5 लाख चिल्ड्रन देर आर ओनली 50,000 हु प्ले प्रोफेशनल टेनिस। टेनिस सब खेलते हैं मगर प्रोफेशनल टेनिस बहुत कम खेलते हैं। जैसे हम लोग खेलते हैं ना, हम लोग बैडमिंटन नहीं खेलते, हम लोग चिड़ी छक्का खेलते हैं कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं, घरों के अंदर शुरू हो जाता है, तो दैट इज नॉट बैडमिंटन। बैडमिंटन मीन्स यू प्ले इनसाइड द कोर्ट वेर देर इज नो एयर, है ना, नेट लगा होगा प्रॉपर, वहाँ पे मार्किंग्स होंगी, उसमें खेलो तो वो बैडमिंटन है, तो घर में खेलते चिड़ी छक्का है। सो आउट ऑफ दोज 5 लाख चिल्ड्रन हु प्ले टेनिस देर ओनली 50,000 हु प्ले प्रोफेशनल टेनिस। और उन 50,000 बच्चों में से जो प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं केवल 5,000 हैं जो किसी ट्रॉफी में एंटर करते हैं। आउट ऑफ दोज 5,000 चिल्ड्रन हु एंटर इनटू सम ट्रॉफीज देर ओनली 50 हु एंटर इनटू विंबलडन, एंड आउट ऑफ दोज 50 हु एंटर इनटू विंबलडन देर ओनली 4 हु एंटर इनटू फाइनल्स सेमीफाइनल्स। आउट ऑफ दोज 4 हु एंटर इनटू सेमीफाइनल्स देर ओनली 2 हु एंटर इनटू फाइनल्स। और जो दो फाइनल में एंटर करते हैं उसमें केवल एक ही होता है जो जीतता है, जो ट्रॉफी उठाता है। ऐसे भगवान ने मेरे को 19 बार चुना उस ट्रॉफी को उठाने के लिए, तब तो मैंने भगवान से पूछा नहीं कभी, व्हाई मी, मुझे क्यों चुना। तो आज मैं किस मुंह से उन्हीं भगवान से पूछूं, व्हाई मी, व्हाई यू हैव चोजन मी फॉर दिस डिजीज। दिस इज कॉल्ड फेथ, एक्सेप्टिंग कृष्णा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, स्टिकिंग टू कृष्णाज लोटस फीट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। एक बड़े टंगड़ी सा व्यक्ति था ना, बोनी स्किनी, बड़ा पतला सा, तो बार बार भगवान से प्रार्थना करता, भगवान कुछ तो कराओ यार, शादी कैसे होगी, ये शकल सूरत देखो मेरी, कुछ तो कराओ। तो एक दिन आकाशवाणी होती है कि बाहर जाओ, सामने जो पहाड़ है उसको धक्का लगाओ। तो उसको लगा यार कुछ जादू है, पहाड़ सामने है, आकाशवाणी हुई है, जाके धक्का लगाता हूँ। तो जाके धक्का लगाता है, तो सुबह से शाम हो गई धक्का लगा रहा है, धक्का लगा रहा है। बोले कुछ होगा इसमें, कुछ छुपा रुस्तम होगा ये। तो अगले दिन फिर आता हूँ, नहा धो के फिर आ गया, फिर धक्का लगा रहा है। तो एक हफ्ता धक्का लगा रहा है, एक महीना धक्का लगा रहा है, 3 महीना हो गया धक्का लगा रहा है, 6 महीना हो गया धक्का लगा रहा है, कुछ तो होगा। अब 6 महीने बाद आता है, वो सामने भगवान के सामने आता है, बोले क्या यार मजे ले रहे हो मेरे भगवान ना। बोले पुश द माउंटेन, क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर छोड़, मिलीमीटर, अरे मिलीमीटर छोड़ी, फेमटोमीटर, नैनोमीटर भी नहीं हिलाई पहाड़, क्या उखाड़ लिया मैंने। बोले पहाड़ को हिलाओ, पहाड़, पुश। तो फिर दोबारा आकाशवाणी होती है, बोले जाओ शीशे के सामने जाओ। तो शीशे के सामने जा रहे, बोले क्या क्या है शीशे के सामने, वही तो हूँ। बोले सी क्लोजली। बोले हाँ यार, ये तो मसल बन गया, तो बॉडी बड़ी सही होगी। बोले हाँ, यही तो प्रार्थना करता था भगवान को, भगवान थोड़ा सही कर दो, मुझे सेट कर दो एकदम, शादी के लायक करना बना दो। तो फिर भगवान बोलते हैं, देखो मैंने यही तो बोला था, पुश द माउंटेन, मैंने आई डिडंट टेल यू टू मूव द माउंटेन, आई जस्ट टेल यू टू पुश द माउंटेन। तो आप अपना काम करो, आप पुश करोगे और मैं अपना काम करूँगा, जो आपके बिगड़े काम है वो मैं संवारूंगा, आप अपना काम करते रहो। सो वट इज पुश मीन्स हेयर, प्रे अंटिल समथिंग हैपन्स, कीप ऑन प्रेइंग। तो ये हमारा कार्य है, हर स्थिति में भगवान से प्रार्थना करना, चाहे वो स्थिति हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है। शिला प्रभुपाद एक ज्योतिष से मिले थे जब वो युवा थे,
तो उनका हाथ देके ज्योतिष ने बोला था, या तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा बिरला टाटा जैसा, नहीं तो ये साधु बनेगा मगर वो भी बहुत बड़ा। तो प्रभुपाद जी ने पहली इंस्ट्रक्शन को देखा, बोले ठीक है भैया हम भी कुछ बिजनेस करते हैं। तो प्रभुपाद ने फार्मास्यूटिकल बिजनेस शुरू किया था, मगर जैसे ही वो बिजनेस चालू हुआ तो दुकान में आग लग गई, सब कुछ जल गया सब कुछ। तो क्या हो गया, भगवान की कृपा होगी ना, भागवत में लिखा यस्याम अनुग्रामी हरिष्ये तब धनमचरी। तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का मैं सारा धन छीन लेता हूँ जो मेरे ऊपर, जिसके ऊपर मैं अनुग्रहित होता हूँ, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि भगवान मुझे बोला करते थे अरे इन केमिकल के साथ तुम भी जल जाओगे, कुछ और करो, कुछ बड़ा करो, निकलो यहां से, जाओ पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आई कुड नॉट गो अगेंस्ट कृष्णाज विल, भगवान जो मुझसे चाहते थे मैं उससे अलग नहीं हो पाया। चाहे मेरा मकान जल गया, चाहे मेरी दुकान जल जाए, चाहे मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाए, मैं कृष्ण का आश्रय छोड़ूंगा नहीं। ये प्रभुपाद जी का कट्टर विश्वास था भगवान में, पूर्ण श्रद्धा थी उनकी। इसलिए जब जलदूत पे पहुंचे तो प्रभुपाद जी ने वो प्रार्थना लिखी, मार्की ने भागवत धर्म बोड़ो कृपा कोई ले कृष्ण, कि कृष्ण बहुत कृपा करी आपने कि मुझको यहां तक ले आए आप, अमेरिका तक ले आए, मगर आगे जो आप करना चाहते हो आप मेरे साथ कर लीजिए, जे तुम्हारा इच्छा प्रभु करो एरी पारे, जो आपकी इच्छा है वो आप मुझे करा लीजिए, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं, तो जैसा नचाओगे वैसा नचाऊंगा, नचाए प्रभु, जैसे आप मुझे नचाना चाहते हैं आप वो कार्य मेरे साथ कर सकते हैं। देखिए शिला प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स भी प्रभुपाद जी से पहले पाश्चात्य जगत में गए थे और सब लोग असफल रहे, तो प्रभुपाद जी को अपनी असफलता का डर नहीं था। वो ये क्या बोल रहे हैं, भगवान आप मुझसे जो कराना चाहे करा लीजिए, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ के प्रचार करूं तो वो करा लीजिए, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ के अपने प्राण त्याग दूं वो करा लीजिए, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, जो भी आप मुझसे कराना चाहते हैं मैं तैयार बैठा हूं। तो ये श्रद्धा है शिला प्रभुपाद की महाभागवतों की भगवान में। हमारी चिंता क्या रहती है, हमारी चिंता है कि कोई अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर मेरे अनुसार नहीं चलेगा तो क्या होगा, मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, मेरे पास जो धन है वो कुछ चुरा के ले गया तो क्या होगा, हमारी चिंता तो यही है। तो एक डिवोटी ने बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताया था भय का, चिंता का, फियर, फियर इज इक्वल टू कृष्णास प्लान माइनस माई प्लान। भगवान का कुछ प्लान है मेरे लिए और मैंने अपना कुछ प्लान बना रखा है, तो जितना ज्यादा मेरा प्लान भगवान के प्लान से अलग होगा उतना ज्यादा मेरे जीवन में डर रहेगा, उतना ज्यादा मैं भयभीत रहूंगा। अब क्योंकि शिला प्रभुपाद जी का प्लान क्या था, जो भगवान का प्लान है, इसलिए कृष्णास प्लान इज इक्वल टू शिला प्रभुपाद प्लान, इसलिए उनका जो डर है वो जीरो है, इसलिए उनका नाम क्या है, अभय चरणारविंद स्वामी शिला प्रभुपाद, वो अभय है, कोई डर नहीं है उनको, क्योंकि ही हैज एक्सेप्टेड व्हाट इज कृष्णास प्लान। तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को अलाइन कर लिया है भगवान के प्लान से। तो भक्त जानते हैं कि मैं किसी को नियंत्रित नहीं कर सकता हूं, ना ही किसी व्यक्ति को, ना ही वस्तु को, ना ही परिस्थितियों को। अरे अपना शरीर हम नियंत्रित नहीं कर सकते, ना वो बाल ना जिनको बचपन से आपने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया ना, बड़े सारे शैम्पू लगाए तेल लगाया, यही एक दिन सफ़ेद हो जाएंगे आपके ना चाहते हुए, यही एक दिन साथ छोड़ जाएंगे ना। अपना हमारा अपना शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरों को क्या कंट्रोल में कर लेंगे हम, मगर भक्त जानते हैं कि एवरीथिंग इज अंडर कृष्णास कंट्रोल, सर्व कारण कारणम, वही सबके कारण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं आई हैव नो अदर प्लान देन टू सर्व कृष्णा, इसलिए आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मैं किसी चीज से भी, मुझे किसी चीज से भी डर नहीं लगता क्योंकि जो भगवान का प्लान है मैंने उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया है। इसलिए भगवान के भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी, जब उनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं उस समय भी वो कृष्ण को भूलते नहीं हैं और ये जानते हैं कि कृष्ण देख रहे हैं मुझे,
इस समय कृष्ण ने आंखें बंद नहीं कर ली हैं, जब मेरे जीवन में विपत्ति आ रही है कृष्ण मेरे साथ हैं, तो इसको श्रद्धा बोला जाता है। खरगोश क्या करता है, जब उसके सामने शेर आ जाता है तो आंख बंद कर लेता है और आंख बंद करके सोचता है, बोले कुछ नहीं, देयर इज नो लायन इन फ्रंट ऑफ मी। मगर ऐसा करने से वो जो प्रॉब्लम है उसकी दूर नहीं होगी, मगर जो भक्त है वो आंखें खुली रखता है, बोले हाँ ना, सामने बेशक शेर आ जाए मगर मेरे पास शेर के पिताजी हैं ना, वो हरी है मेरे साथ ना, तो हरी क्या करेंगे, इस शेर को भी शांत कर देंगे, तो मुझे डर नहीं है किसी चीज का। तो प्रश्न आता है कि भगवान के भक्तों के जीवन में भी कष्ट क्यों आते हैं फिर? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रजवासियों के सामने इतने कष्ट आ गए, श्रील प्रभुपाद के जीवन में इतने कष्ट आ गए, प्रहलाद महाराज के समक्ष इतने कष्ट आए, भगवान कष्ट देते ही क्यों हैं? दो कारण है कि भगवान भक्तों के जीवन में कष्ट को देते हैं। पहला कि भगवान उन भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं उनके जीवन में कष्टों को देखे, ताकि पूरी दुनिया देखे, पूरा जगत देखे कि कैसे इतने सारे कष्टों के होने के बावजूद ये भक्त मुझे भूल नहीं रहा है, तो ये भक्त का गुणगान हो जाता है, उस भक्त का गुणगान हो जाता है। और साथ में भगवान ये भी बताना चाहते हैं बाकी लोगों को, अरे सो मत, तुम्हारे भक्त के समक्ष इतनी सारी दुविधाएं आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, तुम कैसे शांत रह सकते हो? तो हमारे जो चेतना है जो सुप्त अवस्था में, उसको जागृत करने के लिए भी भगवान अपने शुद्ध भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं। बांग्लादेश में अटैक हुआ तो हम यहाँ पे हाथ धरे के धरे रह के नहीं बैठ सकते, हमें भी जागृत अवस्था में आना है, हमें भी कुछ आंदोलन करना है। तो ये हमारे लिए लेसन है, हमारे लिए लर्निंग है। मगर हाँ, जिस भक्त के जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो भक्त क्या करेगा, उसको सहेगा, और उस सहने मात्र से ही उसका ग्लोरिफिकेशन होगा, वो भक्ति के टेस्ट में पास हो जाएगा। तो शास्त्र बताते हैं कि जो भक्त हैं वो चंदन के समान है। चंदन क्या होता है? चंदन सुगंध देता है, मगर कब सुगंध देता है? जब उसको घिसा जाता है। मगर जितने ज्यादा घिसा जाता है चंदन को, उतना ज्यादा वो सुगंध देता है। ऐसे एक भक्त को जितना ज्यादा कष्ट दिए जाते हैं उसके जीवन में, तो उतना खिल के निकल आता है वो। उस भक्त के अंदर की जो नोबल क्वालिटीज हैं वो बाहर खिल के निकल आती हैं जब उसके जीवन में कष्ट आते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जैसे एक कोई पहाड़ है, तो पहाड़ के ऊपर बहुत मिट्टी लग आ जाती है, मिट्टी उसके ऊपर आने लग जाती है सालों साल, मगर एक समय क्या होता है, बारिश होती है, तो बारिश से वो मिट्टी तो दूर होती होती है, वो पहाड़ चमकने लग जाता है, उसका ओज बाहर आता है। ऐसे ही जन्मों जन्मों से हमारे ऊपर ना मैल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है हमारे पापों की, पाप कर्मों की, मगर जब हम भक्ति में आते हैं तो फिर ऊपर से बारिश होती है, तो बारिश से वो सारे पाप तो धुलते ही हैं, वो सारी मैल तो दूर होती होती है, साथ में हमारे अंदर की जो असली क्वालिटी है वो भी उद्धृत होती है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचन सर्वे गुणे तत्र समासुते सुरा। भक्तों के अंदर तो देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं, मगर भगवान क्या करते हैं, वो गुण प्रस्तुत भी करते हैं सारे विश्व को, कि भगवान बताना चाहते हैं मेरा भक्त देखो कितना महान है, कितना गुणवान है, तुम इसको अप्रोच करके मेरे पास आओ। तो भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्त को ग्लोरीफाई कराते हैं, ये भगवान की इच्छा है। साधु नाम हृदय तो हम साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम, मैं तो साधुओं के हृदय में रहता हूं, मुझे मत ढूंढो, मेरा कोई GPS एड्रेस नहीं है डायरेक्ट, मेरा GPS तो मेरे डिवोटीज हैं, उनका एड्रेस ले लो मेरे पास पहुंच जाओगे। सो दिस इज कृष्णा डिजायर। तो अब हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों पे कष्ट क्यों देते हैं, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए। मगर ऐसा नहीं है कि जब भक्तों पे कष्ट हो रहा हो तो हम उसको सहन करें, हमारी भी चेतना जागृत होनी चाहिए, हम चुपचाप बैठ के देखते ना रहे, हमारे अंदर भी वो ज्वाला धधकनी चाहिए, अरे कैसे नहीं एक भक्त के प्रति ये अपराध कर रहे हैं, धर्म पे प्रहार हो रहा है, तो वो हम सहन नहीं करेंगे, ये कब तक अत्याचार सहन करते रहेंगे हम? तो हमारी सुप्त अवस्था, आत्मा की सुप्त अवस्था को जागृत करने के लिए भगवान कई बार दूसरे कष्टों को माध्यम बनाते हैं, उनको कष्ट दे के, ताकि हम तैयार हो।
ऐसा नहीं कि भक्त का हृदय पत्थर दिल होता है, उसका हृदय भी द्रवित होता है जब वो दूसरे भक्तों के जीवन में कष्ट देखता है। अरे दूसरे भक्त छोड़िए ना, जब कोई भौतिकतावादी कर्मी व्यक्ति भी के जीवन में भी कष्ट आते हैं तो भक्त का हृदय वो द्रवित हो जाता है, पर दुखा दुखी होता है भक्त। तो ये परोपकार की भावना से भक्त ओतप्रोत रहता है। इस प्रकार भगवान उसको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युद्ध होने से पहले अर्जुन रो रहे थे, और युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर महाराज रोने लगे। क्यों? अर्जुन क्यों रो रहे थे? अरे सामने मेरे गुरुजन है, परिजन है, कैसे मारूं उनको, सामने पितामह है, नहीं मार सकता, हिंसा है ये, सॉरी आई कैनॉट डू दिस कृष्णा, आई वॉन्टेड पीस बट यू आर इंडल्जिंग मी इन वायलेंस, क्या सिखा रहे हैं भगवान आप? तो ये गांडी मेरे हाथ से गिर रहा है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, तो रो रहे हैं। और जब युद्ध हो गया तो युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं, अरे हाय हाय हाय, ये क्या हो गया, इतना आतंक, इतनी हिंसा, ये क्या हो गया? क्योंकि दोनों ही भक्त हैं, दोनों के हृदय द्रवित होता है, दुखी होता है दूसरों के कष्टों को देखकर। तो भीष्म पितामह ने पैसिफाई किया उनको, अरे घबराइए मत, ये भगवान का ही प्लान है, आप क्या मारेंगे किसी को, भगवान ने सब कुछ सबको पहले ही सेट कर दिया है, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र हैं आप। तो फिर उनको ये समझ आई ना, फिर उस शोक से वो दूर हो पाए। तैसी जब भक्तों के जीवन में कष्ट आता है तो भक्त उसको सहन करते हैं, ये उनके जीवन का टेस्ट है। और कितने आचार्य गणों ने ये हमें समझाया है, ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमिक्षमानो भुंजानेवात्मकृतम विपाकम हृदवाग्वपुर्भी विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नाश्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। इवन इफ अ डिवोटी इज डिफेम्ड, चीटेड, क्रिटिसाइज, निग्लेक्टेड और इवन किल्ड, अ डिवोटी इज नेवर इंटरेस्टेड टू रिटेलिएट, वो बदला लेना नहीं चाहता है, चाहे उसको, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही निचोड़ ले उसको, कितना ही बुरा भला बोल ले, कितना ही गंदा उसके साथ कर ले, उसको ब्लेम करे, उसको क्रिटिसाइज करे, मगर वो शांत रहता है। ज्ञाने प्रयास उपदास न मंताय जीवंती सदमुहूर्तम तवदीय वार्ताम स्थाने सीता श्रुति गताम तनुवाक मनोभीर ये प्रयासो अजित जीतोपि सीता स्त्रीलोक्यम। भगवान क्या बोल रहे हैं, जिस स्थान में आप हैं उसी स्थान पर रहिए, जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति को पकड़ के रखिए, और साथ में अपने तनुवाक मनोभीर, अपने तन से, अपनी वाणी से, अपने मन से मेरी सेवा में रत रहिए, इतना कर लीजिए बस आप। मैं जो अजीत हूं, मैं आपके प्रेम की रज्जू में बंधने को तैयार हो जाऊंगा, मैं आपका दास बन जाऊंगा। केवल क्या करना है, धोती कुर्ता पहनने की आवश्यकता नहीं है, घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जिस स्थान पे आप हैं, गाड़ी चलाते हैं गाड़ी चलाइए, मर्सिडीज गाड़ी चलाइए ना, सूट बूट पहन के, कोट शर्ट पहन के वहां पे जाइए, उस स्थिति में रह के भगवान को याद कर लीजिए बस। बहुत आलीशान घर है आपका, उसमें रहिए, नो प्रॉब्लम, बट उस आलीशान घर को, उसके जो स्रोत हैं वहां पे उनको बिठाइए, उनका स्मरण कीजिए। भगवान बोले, इतना करने से मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। इस प्रकार कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, मगर वो चाहते हैं कि हम उनको छोड़े ना। कृष्णा इज वेरी पॉजेसिव लवर, इज वेरी पॉजेसिव, तो वह चाहते हैं कि हाँ कोई भी स्थिति है आपके पास, किसके पास आओ, मेरे पास आओ, और मेरे द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। और तो और गीता में क्या बोलते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कोमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मोहित। अरे भैया शरीर भी बदलना पड़े ना, तभी क्या हो, मोहित मत हो, घबराओ मत, ये मेरे कारण ही हो रहा है, इसके पीछे मैं ही हूं। तो ये भगवान का प्लान है। तो क्या है भगवान का प्लान मेरे लिए, कैसे समझेंगे हम? हाँ ये समझ आ रहा है कि हमें भगवान का प्लान एक्सेप्ट करना है, मगर भगवान का प्लान क्या है मेरे लिए, कैसे जाने उसको? देखिए, जब दो लोग जो अननोन है वो आपस में बात करने लगते हैं,
एक दूसरे के ऊपर श्रद्धा करने लगते हैं, फेथ करने लगते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर करने लग जाते हैं, अपने अपने जो लंच बॉक्सेस हैं वो शेयर करेंगे, धीरे धीरे अपने कपड़े भी शेयर करने लग जाते हैं, और क्या होता है, धीरे धीरे अपने मोबाइल के पासवर्ड शेयर करने लग जाते हैं, अपने ईमेल के पासवर्ड शेयर करने लग जाते हैं, कई बार तो एटीएम दे देते हैं, बोले डाओ थोड़ा पैसे निकाल के लिया ना, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। सो द मोर वी कम क्लोजर द मोर वी वट इज देयर इनसाइड द हर्ट गेट्स रिवील्ड। तो ऐसी वन भी बोलते हैं, जितना आप मुझे शरणागत होगे उतनी आसानी से आप मेरे प्लान को जान पाओगे। तो जितने ज़्यादा हम भगवान के प्रति शरणागत होने लगेंगे उतनी आसान उतना आसान होता जाएगा भगवान हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं उसको समझना। इसलिए बोला जाता है चित्त ते करिया एक, क्या अपने चित्त को गुरु और कृष्ण से एक कर ले हम, तो जो गुरु की इच्छा है वो हमारी इच्छा बन जाएगी, जो गुरु हमसे चाहते हैं हम वो करने लग जाएंगे, तो हमारा कोई सेपरेट प्लान नहीं होगा। सो विल ऑफ द लॉर्ड बिकम्स विल ऑफ द डिवोटी, डिवोटी गेट्स कंप्लीटली अलाइंड विद द विल ऑफ द लॉर्ड। तो लास्ट में बस एक एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगा। हिजगरे राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे, कह रहे थे कि जब मैं भक्ति में नहीं आया था तो उससे पहले मैं बहुत परेशान हो जाया करता था, इसलिए नहीं कि मेरी जॉब नहीं लगी थी, इसलिए नहीं कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए नहीं कि मेरा बहुत बड़ा खतरनाक था, इसलिए कि मेरे मुंह में छाले हो जाते थे। आई यूज टू गेट अल्सर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गेट सो डिस्टर्ब्ड, और बार बार हो जाते थे। मगर जब भक्ति में आया और जब ये सारा गीता का ज्ञान सुना तो सहन शक्ति आई, धैर्य आया, और फिर मैं जान पाया कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं वो मेरे ही कर्म हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ, एट बेस्ट भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ, और प्रार्थना करते वक्त सहन कर सकता हूँ, सहन तो मुझे करना होगा। और फिर मैं जब सेवा में लगने लग गया तो फिर पता नहीं लगता था मुझे कि छाले भी एक हूँ मैं, घंटों घंटों में बोली जा रहा हूँ ना, बट अब मुझे महसूस भी नहीं हो रहा कि मेरे मुँह में छाले हैं। फिर उन्होंने बताया कि जैसे एक माँ होती है, माँ क्या करती है, बच्चे को गोद में लेती है और कई बार उसको छूटी मारती रहती है, छूटी मारती रहती है, प्रेम है, मगर उस प्रेम का आदान प्रदान क्या हो रहा है कि हल्का सा कुछ कष्ट दिया जा रहा है टू एक्सप्रेस दैट लव। तो ऐसी अब मुझे ये पूरा फेथ हो गया कि कृष्णा इज देयर विद मी एंड कृष्णा इज लाइक माई मदर एंड फादर, पितामह से जगतो माता धाता, तो वो मेरे माता है, वो मेरे पिता है। तो भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में मुझे भेजा मगर उसके बावजूद अपना जो आशय है वो छोड़ते नहीं है, तो अपनी गोद में बिठा कर रखते हैं और कई बार मुझे चूटी मारते रहते हैं, कभी यहाँ पे चूटी मारते हैं, कभी यहाँ पे चूटी मारते हैं, कभी यहाँ पे छाला हो जाता है, कभी यहाँ पे छाला हो जाता है। तब वो छाला होता भी है तो ऐसे लगता है कि भगवान प्यार कर रहे हैं मुझे ना, कृष्णा इज ऑलवेज देयर विथ मी। सो द मोर वी सरेंडर टू कृष्णा द मोर कृष्णाज प्लान बिकम्स रिवील्ड टू अस। तो ही आज का जो श्लोक है इसमें श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखाना चाह रहे हैं कि ये जो ब्रजवासी हैं ये भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर हैं, इनका कोई और प्लान नहीं है, जो कृष्ण का प्लान है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो सरेंडर मीन्स टू बी रेडी टू चेंज, जो वो पहले करते थे अब वो त्याग दिया, जो अब कृष्ण चाहते हैं हमसे वो करने को तैयार हैं। सरेंडर मीन्स स्टिकिंग टू कृष्णाज लोटस फीट, सरेंडर मीन्स बींग कंसिस्टेंट टू लव कृष्णा, सरेंडर मीन्स टू अप्रोच कृष्णा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद हमें शरणागति के अलग अलग लक्षण बता रहे हैं कि किस प्रकार ब्रजवासी पूर्ण रूप से शरणागत हैं, तो हमें भी इस भाव में आगे बढ़ना है, और फिर आगे चल के जब इन लक्षणों को हम स्वीकार करेंगे तो हम भी ब्रजवासी कहलाएंगे, ब्रज हमारा है ना, वी आर ऑल ब्रजवासीज ना, केवल समय हमें दूर रख रहा है उससे। तो श्रील प्रभुपाद हमें सबको ब्रज लेने लेके जाने के लिए आए हैं, वो खुद ब्रजवासी हैं और हमें वहाँ ब्रज लेने के लिए आए हैं, बस हमें स्वीकार करना है कि जो श्रील प्रभुपाद का प्लान है, जो गुरु का प्लान है, उसको हम एज इट इज़ एक्सेप्ट कर पाएँ। तो ये प्रार्थना हम भगवान से कर सकते हैं, ये प्रार्थना हम गोवर्धन जी से कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।